वेग को प्रभावित करने वाले कारक में कल एक लिखवा दिए थे ना, तो दूसरा लिखो, दूसरा पहला क्या लिखवाए थे, ताप लिखवाए थे, दूसरा लिखो अभिकारक अणुओं की सांद्रता, अभिकारक अणुओं की सांद्रता हो गया ना, इसमें लिखेंगे। अब बताओ तो एक काम उसमें करना चाहिए था, जो पहला वाला टॉपिक वाला पॉइंट लिखे थे उसमें पूरा लिखने के बाद नीचे काली पेन से लिख देना कि वेग अनुक्रमानुपाती या ऐसे ताप अनुक्रमानुपाती अभिक्रिया का वेग, बस यही लिखना है। इसको लिखने से फायदा क्या होगा कि पता चल जाएगा हमको कि ताप और अभिक्रिया के वेग में सीधा संबंध है। ताप बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा, ताप घटेगा अभिक्रिया का वेग भी घटेगा। ये सारे पॉइंट में हम लिखवाएंगे, क्यों? क्योंकि इसको लिखने से तुम वेग को प्रभावित करने वाले कारक जल्दी से तैयार कर लोगे केवल 5 शब्दों में, बाकी तुमको पूरा डेफिनेशन पढ़ना ही नहीं, क्योंकि डेफिनेशन यही लिखवाया गया है कि जब ताप बढ़ता है तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, बाकी बाद में कारण बताया गया, वो कारण बताओ या मत बताओ, मुख्य चीज हमारी यही है कि ताप और अभिक्रिया के वेग में संबंध कैसा है, कि ताप बढ़ रहा है तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ रहा है। इतना याद कर ले तो बाकी तो लिख ही सकते हो, अगर तुमने इतना याद कर लिया तो लिखने के लिए तो 2-3 लाइन तो इतने से ही बन सकती है। तो केवल मूल फैक्ट पकड़ो, बाकी का काम तुम कर सकते हो, बाकी के काम में कोई परेशानी नहीं होगी। हो जाएगा, शुरू करो आगे, क्या लिखे? तो लिखो किसी निश्चित ताप पर। अब देखो यहाँ पे ताप निश्चित करना होगा, क्यों ताप निश्चित करना होगा बात को ध्यान से समझना, क्योंकि अगर हमने मान लो ताप निश्चित नहीं किया, अभिकारक अणुओं की सांद्रता तो बढ़ा रहे हैं, साथ में हमने ताप भी बढ़ा दिया। तो अभी ऊपर के पॉइंट में हमने देखा कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम बता नहीं पाएंगे कि अभिकारक की सांद्रता बढ़ने से वेग बढ़ा है कि ताप बढ़ाने से वेग बढ़ा है, होगा कि नहीं होगा? ऐसा मान लो हम क्या करें, अभिकारक की सांद्रता तो बढ़ाएं परंतु अभिक्रिया का वेग घटा दें, और अगर अभिक्रिया का वेग घटा देंगे तो अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और काफी ज्यादा अणु दहली ऊर्जा तल से नीचे चले जाएंगे, होगा कि नहीं? ऐसा होगा, पता चला ये दहली ऊर्जा तल है, अगर इसके ऊपर रहेगा तभी वो क्रिया करेगा, तो अभी मान के चलो 20 अणु है दहली ऊर्जा तल से ऊपर, है कि नहीं? हम बढ़ा के इनको कर रहे हैं, दोगुना कर रहे हैं, तो 20 से कितने होंगे, 40 होंगे ना, और पता चला हम अभिक्रिया का ताप घटाने लगे, जब ताप घटाएंगे तो इनकी ऊर्जा भी क्या होगी, होगी। ताप घटाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा कम होती है, अणु पास पास आते हैं, और जब ये अणु पास पास आएंगे तो पता चला कि काफी ज्यादा अणु कहाँ चले आए, दहली ऊर्जा तल से नीचे चले, हो गया? तो कहीं अभिक्रिया का वेग बढ़ने की जगह घट गया, तब क्या करोगे? तो हम कहने लगेंगे कि अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग घट रहा है, होगा कि नहीं? ऐसा होगा, वहां पे दुविधा हो जाएगी। इसलिए अगर तुम एक में परिवर्तन ला रहे हो तो बाकी को स्थिर रखो, इसमें जितने का प्रभाव हम पढ़ेंगे अगर एक में हम परिवर्तन लाएंगे तो बाकी को स्थिर रखेंगे, बाकी का प्रयोग हम नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि अगर 2 चीजों का प्रयोग हम एक साथ करते हैं तो ये बताना मुश्किल होगा कि किसके कारण वेग में परिवर्तन हुआ है। मान लो ताप भी बढ़ाए, अभिकारक की सांद्रता भी बढ़ाए, तो आवश्यक तो है नहीं कि दोनों अभिक्रिया का वेग बढ़ाओ, हो सकता हो ताप वाले से अभिक्रिया का वेग बढ़ गया और सांद्रता का कोई प्रभाव ही न पड़ा, और हम कह दें कि सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा है, तो गलत माना जाएगा ना ये। इसलिए जब हम अभिकारक सांद्रता में परिवर्तन करेंगे तो ताप को निश्चित करना होगा, अर्थात ताप के कारण उनकी गति ऊर्जा में कोई परिवर्तन न आने पाए, क्योंकि उनकी गति ऊर्जा में परिवर्तन आया तो या तो वो दहली ऊर्जा तल से ऊपर जाएंगे या तो दहली ऊर्जा तल से नीचे जाएंगे। ऊपर जाएंगे तो वेग ज्यादा बढ़ जाएगा, नीचे जाएंगे तो वेग बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगा, घट जाएगा, हमारा मानदंड गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे पहले बोल रहे हैं क्या, किसी निश्चित ताप पर, हो गया, किसी अभिक्रिया में
हो गया अभिकारक अणुओं की, अभिकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ाने पर, सांद्रता बढ़ाने पर कुल टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, कुल टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, कुल टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे प्रभावी टक्करों की संख्या भी बढ़ जाती है, जिससे प्रभावी टक्करों की संख्या भी बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। हो गया ना, ये चीज को ध्यान में रखना है। अब देखो यहां से लिख लेना कि अभिकारक अणुओं की, काली पेन से लिखना, सांद्रता अनुक्रमानुपाती अभिक्रिया का क्या वेग, हाँ लिख लो, पुस्तक में चाहो निश्चित आप लिखोगे तभी कोई बात नहीं है। अभिकारक अणुओं की सांद्रता अनुक्रमानुपाती अभिक्रिया का वेग, हो गया ना, ये चीज को ध्यान में रखना है। इसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं, जैसा हमने कहा कि अगर हम 100 अणु लेते हैं तो 15 की ऊर्जा तहरी ऊर्जा तल से ऊपर है, तो 200 अणु लेने पर कितने की ऊर्जा तहरी ऊर्जा तल से ऊपर हो जाएगी, 30 की हो जाएगी, अर्थात जो उत्पाद 15 की टक्कर से बन रहा था वो उत्पाद अब कितने टक्कर से बनने लगेगा, 30 की टक्कर से बनने लगेगा, अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आगे बढ़ो, अगला नंबर लिखो, उत्प्रेरक का प्रभाव, हेडिंग है तीसरी हेडिंग, उत्प्रेरक का प्रभाव, अब देखो उत्प्रेरक का तो हमने परिभाषा ही यही पढ़ा है, क्या पढ़ा, जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं परंतु अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, ध्यान देना, जो अभिक्रिया के, ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं परंतु अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। तो अब देखो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर रहे हैं, अर्थात इनका सीधा संबंध अभिक्रिया के वेग से ही है। अब यही पता करना है कि धनात्मक संबंध होता है या ऋणात्मक संबंध होता है, उसके लिए हमें जानना होगा उत्प्रेरक का प्रकार। उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक उत्प्रेरक और एक ऋणात्मक उत्प्रेरक, ठीक है। धनात्मक उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, अर्थात इसका सीधा संबंध अभिक्रिया का वेग से होगा, और ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को घटा देता है, अर्थात इसका उल्टा संबंध अभिक्रिया के वेग से होगा। लेकिन जब हम केवल शब्द उत्प्रेरक की चर्चा करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं शब्द उत्प्रेरक, तो उसका अर्थ किससे लगाते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक से लगाते हैं, अर्थात अगर हमने कहीं उत्प्रेरक शब्द बोल दिया तो समझ लेना वो कैसा उत्प्रेरक है, धनात्मक उत्प्रेरक ही है। इसका मतलब हमको कौन सा प्रभाव पड़ना है, ऊपर वाला प्रभाव पड़ना है, हो गया ना, ये चीज को ध्यान में रख के रहना। तो लिखो इसमें भी, चूंकि उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा
अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, को कम कर देता है, जिसके कारण सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। हो गया। अतः उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। हो गया ना, ये चीज को ध्यान में रखना है। तो ये वाला लिख लेना खाली पेन से, उत्प्रेरक अनुक्रमानुपाती अभिक्रिया का वेग, उत्प्रेरक अनुक्रमानुपाती अभिक्रिया का वेग। हो गया। अब देखो ये उत्प्रेरक काम क्या करता है। अभी ये दहली ऊर्जा तब है, देख रहे हो, साधारण परिस्थिति में कुछ अणु इसके ऊपर है और कुछ अणु इसके नीचे है। तो जो अणु इसके नीचे है वो टकराएंगे तो उत्पाद नहीं बनेगा, ये तो फिक्स है। जो अणु इसके ऊपर है उन्हीं के टकराने से उत्पाद बनता है, और जिन अणुओं के टकराने से उत्पाद बनता है उन्हीं को हम सक्रिय अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्रिय अणु। तो उत्प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम करता है। बात को ध्यान से समझना, यहाँ पे सक्रियण ऊर्जा एक नया शब्द आ गया। अब चक्रवात सिद्धांत हटा दिया, सक्रियण ऊर्जा भी हटा दिया, इससे भी नहीं पढ़ना है। परिभाषा लिखना चाहो तो इसी समय कॉपी के सबसे ऊपर लिख लो सक्रियण ऊर्जा। किसी अभिकारक अणु की हो गया प्रारंभिक ऊर्जा को देहली ऊर्जा तल तक पहुंचाने के लिए, देहली नहीं लिखना, देहली लिखना है, ध्यान देना, देहली ऊर्जा तल तक पहुंचाने के लिए जो अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ती है उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। क्या? जैसे अभी सोचो, हम किसी विशेष दो तीन अणुओं की चर्चा करते हैं। ये हमारा हो गया दहली ऊर्जा, कितना है ये? 10 जूल। दहली ऊर्जा तल है 10 जूल। एक अणु है जिसकी ऊर्जा 12 जूल, कितनी है? 12 जूल। तो बताओ ये सक्रिय अणु होगा कि नहीं होगा? सक्रिय अणु होगा कि नहीं होगा? ये होगा क्योंकि दहली ऊर्जा तल से ऊपर है इसकी ऊर्जा, और ये टक्कर से उत्पाद बना लेगा। लेकिन इसके नीचे एक अणु था जिसकी ऊर्जा थी 8 जूल, तो क्या वो सक्रिय अणु है अभी? नहीं। अगर उसको अभिक्रिया करना है तो कम से कम अपनी ऊर्जा 10 तो करनी ही पड़ेगी, और 10 पर भी संभावना कम ही रहती है, क्योंकि 10 से ज्यादा जाएगा तभी क्रियाशील माना जाएगा, होगा ना? तो अब सोचो जिसका 8 जूल है ये अभिक्रिया नहीं कर सकता है, लेकिन कहीं से अगर हम इसको कितना दे 2 जूल ऊर्जा, दहली ऊर्जा तल तक पहुंचाना है, बाकी आगे अपने आप को पहुंचेगा, मतलब अभिक्रिया से जब ताप मिलेगा तो आगे जाता जाएगा,
लेकिन सबस्टेरियल ऊर्जा की चर्चा में हमें सिर्फ देहली ऊर्जा स्तर तक ही पहुंचाना है। तो अगर हम इसको 2 जूल दे दें तो ये कहां तक पहुंच जाएगा? 10 तक पहुंच जाएगा ना। अब सोचो 8 जूल इसके पास था, अर्थात ये इसकी कौन सी ऊर्जा है? प्रारंभिक ऊर्जा। तुमने इसको देहली ऊर्जा तल अर्थात 10 जूल तक पहुंचाने के लिए एक्स्ट्रा कितना दिया? 2 जूल। यही उसकी सक्रियण ऊर्जा है, समझ गए? तो अब उत्प्रेरक क्या करता है, इसी सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देता है। अब सक्रियण ऊर्जा के मान को कम करने के लिए उसके पास 2 उपाय है। क्या, या तो क्या करे, इसी 8 को बढ़ा के उत्प्रेरक पहले ही 9 कर दे, तो जो हमें 2 जूल ऊर्जा के बाद सक्रियण प्राप्त हो रहा था, कितने जूल ऊर्जा के बाद सक्रियण मिल जाएगा? 1 जूल ऊर्जा के बाद ही तो मिल जाएगा अब, क्योंकि 8 से 9 तो उत्प्रेरक ने कर दिया कि नहीं कर दिया। तो अब हम अगर 1 जूल ऊर्जा कहीं से पा जाए तो इसको देहली ऊर्जा तल तक ले जाते हैं और इसे सक्रियण क्या बना, सक्रियण बना सकते हैं, हो जाएगा। अर्थात इसने सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर दिया, जल्दी से अभिक्रिया हो जाएगी, अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरी स्थिति ये क्या कर सकता है, इसी देहली ऊर्जा तल को नीचे कर सकता है। क्या कर सकता है? नीचे कर सकता है। मान लो अभी देहली ऊर्जा तल यहाँ पे थी, इसने देहली ऊर्जा तल को यहाँ पर कर दिया। बात को ध्यान से समझ ना, अभी यहाँ पुराना हुआ यहाँ पे था, तो इसके ऊपर कितने दिख रहे हैं ना, कितने हैं, 5-3-8 इन 8 के टक्कर से उत्पाद बन रहा है। कितने के टक्कर से बन रहा है? 8 के टक्कर से। उत्प्रेरक ने क्या किया, देहली ऊर्जा तल को नीचे कर दिया। बात को समझो, देहली ऊर्जा तल को नीचे करने का अर्थ क्या है, मान लो इसका नहीं बढ़ाया, इसी तल को घटा के कितना कर दिया, 9 जूल कर दिया। कितना कर दिया, 9 जूल। अर्थात अब सक्रिय बनाने के लिए हमको केवल कहां तक ले जाना होगा, 9 जूल तक ले जाना पड़ेगा। तो 8 से 1 9 पे पहुंच गए, हो गया हमारा काम, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो वो 2 प्रकार से बदलाव ला सकता है सक्रिय ऊर्जा में, या तो देहली ऊर्जा तल को नीचे कर देगा, या तो अभिकारक अणु की ऊर्जा को पहले से ही क्या कर देगा, बढ़ा देगा, हो जाएगा। दोनों में किसी भी प्रकार से कर सकता है। तो यहाँ तल वाला समझते हैं कि तल को उसने क्या कर दिया, नीचे कर दिया। अब सोचो अभी तो इतने अणु इस तल के नीचे दिख रहे थे, क्या वो अभिक्रिया में भाग ले रहे थे? नहीं ले रहे थे। लेकिन तल जब नीचे चला आया तो ये भी उसके ऊपर चले गए ना, अर्थात ऊपर जाने के कारण ये कैसे अणु में गिने जाएंगे, सक्रिय अणु में गिने जाएंगे। किस अणु में गिने जाएंगे, सक्रिय अणु। जो सक्रिय अणु अभी हमारे पास पहले 8 था, उत्प्रेरक का प्रयोग करने के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14 हो गया। कितना हो गया, 14। जो सक्रिय अणु पहले 8 था, उसके टकराने से उत्पाद बन रहा था, वो वजन कितना हो गया, 14 हो गया। अर्थात अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हो जाएगा ना। ये चीज को ध्यान में रखना, उत्प्रेरक का काम क्या है, अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा को कम करना। वो 2 प्रकार से कम करेगा, या तो अभिकारक अणु की ऊर्जा को ही बढ़ा देगा, हो जाएगा, दूसरा देहली ऊर्जा तल को क्या कर देगा, नीचे कर देगा। दोनों स्थितियों में सक्रिय ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हमने यहाँ पे पहले देखा 2 था सक्रिय ऊर्जा था ना, लेकिन जब उसने देहली ऊर्जा तल को 10 से घटा के कितना कर दिया, 9 कर दिया, अर्थात 9 पर ले जाने पे अब अणु सक्रिय हो जाएगा। तो 8 को पहले से ही था, 9 ले जाने के लिए कितना देना पड़ेगा, 1 ही देना पड़ेगा। पहले 2 देना पड़ रहा था, कितना देना पड़ रहा है, 1। सक्रिय ऊर्जा घट गई, नहीं घट गई। दूसरी स्थिति क्या कर सकता है, इस 8 को बढ़ा के 9 कर सकता है। तो 8 के बढ़ा को इसने 9 कर दिया, हमको जाना कितने तक था, 10 तक जाना था। 9 से कितना चाहिए, 1 ही चाहिए, पहले कितना चाहिए था, 2 चाहिए था, फिर भी सक्रिय ऊर्जा घट गई। तो किसी भी प्रकार से सक्रिय ऊर्जा को घटा सकता है, सक्रिय ऊर्जा घटाएगा तो सक्रिय अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसा यहाँ हमने चित्र से समझ लिया, जब अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी प्रभावी टक्कर बढ़ जाएंगे, प्रभावी टक्कर बढ़ेंगे तो उत्पाद की संख्या ज्यादा बनने लगेगी, और जब उत्पाद ज्यादा बनेंगे तो हम कहेंगे अभिक्रिया का वेग क्या हो गया, बढ़ गया है, हो जाएगा। तो उत्प्रेरक का भी सीधा संबंध अभिक्रिया के वेग से होता है। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, अगला पॉइंट, अभिकारक अणुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभिकारक अणुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया ना, अब देखो इसको भी हमने कल समझा था। अभिकारक अणुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना बढ़ेगा, टक्करों की संख्या उतनी ही क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी,
बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ऐसा हमने दिखाया अभी था। अगर बड़े अणु हैं तो वो एक ही बार टकरा रहे हैं, अगर इनको दो दो टुकड़े में बांट दिया जाए तो दोनों एक एक बार टकराएंगे ना, अर्थात एक समय में कितनी टक्कर होने लगी, दो टक्कर होने लगी। अगर इनको चार चार भाग में बांट दो, एक समय में कितनी टक्कर होगी, चार टक्कर होगी, होगी कि नहीं होगी। जो पहले एक टक्कर हो रही थी वो चार टक्कर होगी, हो सकता है एक टक्कर से उत्पाद नहीं बन रहा था लेकिन चार करने के बाद छोटे हो गए ना ये, और जब छोटे होंगे तो अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। छोटे अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है, और जब गतिज ऊर्जा अधिक होगी तो हो सकता है कुछ देहरी ऊर्जा तक को पार कर जाए। अभी मान लो यहाँ पे अणु बड़ा बड़ा था, दिखाई दे रहा है ये देहरी ऊर्जा तब है, यहाँ पे बड़े बड़े अणु ये टकरा रहे थे, अब इनके टकराने से उत्पाद नहीं बन रहा था क्योंकि बड़े हैं, इनकी गतिज ऊर्जा में उतनी वृद्धि नहीं हो पाती है, बड़े कणों की गतिज ऊर्जा में ज्यादा वृद्धि हम नहीं ला सकते। इसको अगर दो दो भाग में तोड़ दें तो ये छोटे छोटे हो गए, अर्थात अब टकराएंगे तो ये और ये अगर आपस में टकराए तो ये और ये आपस में टकरा जाएगा, एक ही बार में दो टकराएंगे, और एक तो छोटे हो गए, छोटे होने से इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो गई, बढ़ गई। हो सकता हो गतिज ऊर्जा बढ़ने के बाद ये दोनों गहरी ऊर्जा सबको क्या कर लिया, पा कर लिया, तो इनके टकराने से अब क्या बन जाएगा, उत्पाद बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा। ऐसे ही जब ये भी टूटेगा और जाएंगे ऊपर और जाएंगे ऊपर तो और ज्यादा उत्पाद ऊपर बनेगा। ये प्रकार से क्या हुआ, अभिकारक अणुओं का पृथ्वी क्षेत्रफल जितना अधिक होता है अभिक्रिया का वेग उतना ही क्या होता है, अधिक होता है। इसीलिए ध्यान देना कि अभिकारकों को ठोस अवस्था की अपेक्षा चूर्ण अवस्था में लेना अधिक प्रभावी होता है। क्यों जी? क्योंकि अगर हमको मान लो लोहे की क्रिया करानी थी, जैसे हमने कहा था लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर विलयन का रंग बदल जाता है, कहा था हमने ना, अब लोहे की कील इतनी बड़ी डाल दो एक ही जगह पे तो आएगी ना, अब उसके पास जो कॉपर के आयन आएंगे वहीं से तो प्रतिस्थापित करेगा धीरे धीरे वो, लेकिन अगर हम उसको पीस के डालें तो कई जगह पे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, पूरे विलयन में एक साथ क्रिया होगी उसकी, अर्थात अभिक्रिया का वेग क्या होगा, अधिक होगा। ये चीज को ध्यान में रखना, उत्प्रेरकों को चूर्ण अवस्था में प्रयोग करने से उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इतने टुकड़े अंदर से वो भी बाहर आ चुके हैं, जो अंदर से क्या वो पहले हमको दिख रहे थे, इसके अंदर क्या दिख रहा है, तो खोल के इसका नीचे अंदर निकाल के दिखने लगेगा ना, ध्यान दिए रहना। तो इसी प्रकार से जब अभिकारक को हम फीस देते हैं जो अंदर के टुकड़े रहते हैं वो भी बाहर आ जाते हैं, अर्थात उनकी भी सतह दिखने लगती है। सतह दिखने का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल उनका दिखने लगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल माने तो जो तुमको दिख रहा है बाहर से वही पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इतना बड़ा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, इसको जितने टुकड़ों में काटोगे उतने ही पृष्ठ बढ़ते जाएंगे और पृष्ठीय क्षेत्रफल भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो चूर्ण अवस्था का पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होगा, हो जाएगा, उसी को प्रयोग करने से अभिक्रिया काफी तेज होती है। ठीक, तो शुरू करो, कहां तक लिखे, अगर अणुओं के पृष्ठीय क्षेत्रफल का प्रभाव, का प्रभाव किसमें लिखो, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर कुल टक्करों की संख्या बढ़ती है, कुल टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, कुल टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, हो गया ना, जिसके फलस्वरूप अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है, हो गया। इसमें भी लिख लो, इसमें भी नीचे काले पेन से लिख लेना, अभिकारक अणुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुक्रमानुपाती अभिक्रिया का वेग, अभिकारक अणुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुक्रमानुपाती अभिक्रिया का वेग हो गया ना। अगला लिख लो, अगली हेडिंग प्रकाश ऊर्जा का प्रभाव,
प्रकाश ऊर्जा का प्रभाव। हो गया ना? तो लिखो, प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रियाएं, 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 हो गया। प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके देहली ऊर्जा तल को प्राप्त कर लेती हैं, देहली ऊर्जा तल को प्राप्त कर लेती हैं, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके देहली ऊर्जा तल को प्राप्त कर लेती हैं, जिससे प्रकाश की उपस्थिति में उनका वेग बढ़ जाता है, जिससे प्रकाश की उपस्थिति में उनका वेग बढ़ जाता है। हो गया? बस ये कुछ प्रभावित करने वाले कारक थे जो हो चुके हैं, इनको पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट है, ये हेडिंग याद रखे रहना। अब लिखो हेडिंग, अभिक्रिया का वेग नियम। क्या हुआ? तो इसमें भी लिख लो, प्रकाश ऊर्जा अनुक्रमानुपाती अभिक्रिया का वेग, प्रकाश ऊर्जा अनुक्रमानुपाती अभिक्रिया का वेग, जो इसके ऊपर वाला पॉइंट था उसमें। हो गया ना? तो लिखो हेडिंग, अब अभिक्रिया वेग नियम, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल है, अभिक्रिया का वेग नियम किसे कहते हैं? हो गया? तो लिखो इसमें, क्योंकि द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार, क्योंकि द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के n घात के समानुपाती होता है जहां n अभिक्रिया की कोटि है हो गया जी? तो ध्यान देना।
एक अभिक्रिया है जिसमें ये एक अभिकारक है और तीन के बाद क्या है उत्पाद है। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार अभिक्रिया का वेग जो होगा अनुक्रमानुपाती होगा इसके अभिकारक की सांद्रता ये कितने घात के n घात के हो गया ना। जितने अभिकारक रहेंगे सबकी सांद्रता लिखना है, ध्यान दिए रहना। उसके बाद इसलिए जो अभिक्रिया का वेग है अगर अनुक्रमानुपाती हटा के बराबर लगाएंगे तो एक स्थिरांक लगता है जिसे हम क्या कहते हैं कि और गुणा क्या रहता है अभिकारक की सांद्रता की घात कितना n हो गया ना। एक समीकरण प्राप्त हो गया ना, अर्थात अभिक्रिया का वेग अगर हम v कर दें और वेग स्थिरांक k कर दें और अभिकारक को क्या मान लें a मान लें तो इसकी घात क्या मिल गया v बराबर k इंटू a की घात n हो गया ना। यदि पहले ऐसे लिख लो तब आगे बढ़ो। तो ध्यान दो क्या निष्कर्ष निकल रहा है, जब हमने द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाया तो अभिक्रिया का वेग अनुक्रमानुपाती अभिकारक की सांद्रता की घात n के, जब हमने अनुक्रमानुपाती हटा के बराबर लगाया तो क्या मिल गया हमको वेग स्थिरांक के, अर्थात एक स्थिरांक के मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं वेग स्थिरांक कहते हैं। अभी उसकी भी परिभाषा पढ़ रहे हैं कि वेग स्थिरांक होता है, ठीक है। उसके बाद जो अभिकारक की सांद्रता है वो तो रहेगी, इस प्रकार जो नियम था वो एक समीकरण में बदल गया। इसमें बदला समीकरण में, क्योंकि बराबर लगा तो समीकरण बन गया, बना ना। दूसरी स्थिति देखो, एक स्थिरांक है, इसमें दो चीजें हमको मिल रही हैं जो बदल रखी है, क्या अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता, यही तो बदलेगा। समय का अभिक्रिया का वेग घटता जाता है, अभिकारक की सांद्रता भी घटती जाती है। इसका मतलब ये समीकरण जो है अभिक्रिया के वेग और अभिकारक की सांद्रता में संबंध बता रहा है। क्या बता रहा है? संबंध। कैसे? अगर अभिक्रिया का वेग पता है तो अभिकारक की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं, अभिकारक की सांद्रता पता है तो अभिक्रिया का क्या निकाल सकते हैं, वेग निकाल सकते हैं। तो यह समीकरण जो है अभिक्रिया के वेग और अभिकारक की सांद्रता में संबंध बता रहा है, अतः अभिक्रिया के वेग और अभिकारक की सांद्रता में संबंध बताने वाले इसी समीकरण को अभिक्रिया का वेग समीकरण या वेग नियम कहते हैं, समझ गए। तो यही जो हमारा समीकरण है इसे हम अभिक्रिया का वेग समीकरण कहें चाहे वेग नियम कहें, दोनों बात एक ही जाएगा। पहले उतार लो तब नीचे परिभाषा लिखते हुए के नीचे लिखो काली पेन से। एक मिनट, यहाँ पे यन लिखे ना घात में, लेकिन नीचे पहले लिखो जहां यन अभिक्रिया की कोटि है, तब लिखो गया रहने दो। तो नीचे लिखो काली पेन से लिखो, अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारक की सांद्रता, अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारक की सांद्रता
में संबंध बताने वाले में संबंध बताने वाले उपरोक्त समीकरण को ही उपरोक्त समीकरण को ही हो गया ना अभिक्रिया का वेग समीकरण, अभिक्रिया का वेग समीकरण या वेग नियम कहते हैं। तो अगर तुमसे वेग नियम पूछा गया तो सीधे शुरू से ही लिख सकते हो कि ऐसा समीकरण जो अभिक्रिया के वेग और अभिकारक की सांद्रता में संबंध को बताता है अभिक्रिया का वेग समीकरण या वेग नियम कहलाता है। हो गया ना। उसके बाद ये अभिक्रिया का मतलब जो सूत्र बना है इसको नीचे लिख देना, हो जाएगा। चाहे विस्तार पूर्वक लिखना पूरा कि चूंकि द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार ऐसा होता है तो ऐसा होता है इसलिए ऐसा हो गया, अब ऐसा होता है ऐसा होता नहीं लिखना, उसमें लिखना जो कथन कारण हुआ है। हो गया ना। तो अब इसमें देखो दो नई चीजें आ गई, दो चीजें तुम जानते हो, वेग पहले ही निकाल चुके हो, सांद्रता तो पहले ही जानते हो, सांद्रता विलयन चैप्टर में ही हम लोग पढ़ चुके हैं। दो चीजें नई आई यहाँ पे, एक वेग स्थिरांक और एक जो घात यान अर्थात अभिक्रिया की कोण। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं वेग स्थिरांक क्या है। वेग स्थिरांक अगर इस अभिकारक की सांद्रता एक हो जाए, क्या हो जाए जी, एक, तो अभिक्रिया का वेग वेग स्थिरांक के बराबर हो जाएगा, होगा ना। इसका मतलब वेग स्थिरांक एक विशिष्ट वेग है। क्या है, विशिष्ट वेग है कब, जब अभिकारक अणुओं की सांद्रता कितनी हो, एक हो, होगा कि नहीं होगा। अर्थात अभिकारक अणुओं की सांद्रता एक होने पर जो अभिक्रिया का वेग होता है वही क्या कहलाता है, वेग स्थिरांक कहलाता है। और ये पूरी अभिक्रिया के लिए नियत रहता है, पूरी अभिक्रिया के लिए क्या रहता है, नियत। मतलब सभी अभिक्रियाओं के लिए नहीं, उसी पूरी अभिक्रिया के लिए, मतलब चाहे जितने मोल लेके उसकी क्रिया कराओ उसके लिए क्या रहेगा, नियत रहेगा। हो जाएगा, ये चीज को ध्यान में रखना है। तो अब हेडिंग लिखते हैं हम लोग, वेग स्थिरांक, ऐसे लिखना अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक हो गया ना। तो अब लिखेंगे एक चीज और लिखवाना था, भूल गए उसको। चलो ये वेग स्थिरांक कल शुरू करेंगे, टाइम ज्यादा लगेगा। वो जो इंडिकेट पॉइंट लिखना है लिख लो इसके पहले, कार्ड तो रफ नहीं तो लिखा है, कौन सा फेयर में लिखा है। जो फेयर में लिख रहा है वो गलत कर रहे हो। इंडिकेट पॉइंट, यदि अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकारक उपस्थित हो तो, यदि अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकारक उपस्थित हो तो, यदि अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकारक उपस्थित हो तो वेग समीकरण, तो वेग समीकरण निम्न प्रकार होगा, वेग समीकरण निम्न प्रकार होगा। एक काम करना, यहाँ पे जो वेग को भी लिखे हो, वेग को इसमें आर माना गया है क्योंकि वेग विघटन की दर होता है ना, दर रेट माने होता है, इसलिए इसको आर मान लो। काटना थोड़ी ना, इसे भी बना हुआ है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बस इसे चिपका दो, उसको कह देना कलम मोटी चली गई, हो गया ना। तो अब ध्यान देने वाली बात है, अगर अभिकारक एक से ज्यादा है तो क्या करोगे। जैसे मान लो
अभिकारक किस प्रकार से है? अभिक्रिया इस प्रकार से हो रही है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डॉट डॉट हो गया, तीर के बाद सी प्लस क्यू प्लस आर प्लस डॉट डॉट उत्पाद क्या बन रहा है उससे हमसे नहीं मतलब है, अभिकारक भी बहुत सारे हैं उससे हमसे नहीं मतलब है, हो गया ना। इसलिए अभिक्रिया का वेग आर बराबर की रहेगा वेग स्थिरांक, और इन सबकी सांद्रता लिखोगे अर्थात बड़े कोष्ठक में ए, उसके बाद बड़े कोष्ठक में बी, बड़े कोष्ठक में सी डॉट डॉट जितने रहेंगे सबका, और इनके ऊपर घातें क्या लगेंगी, अभी यन लगा था ना, यही यन विभाजित होगा यन वन यन टू और यन थ्री, ये हमारा सूत्र बनेगा, हो गया ना। अब इसमें अभिक्रिया की कोटि क्या बताएंगे, यहाँ तो यन बता दिया हमने अभिक्रिया की कोटि, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, तीनों अभिक्रिया की कोटि अलग अलग होगी, नहीं तीनों का योगफल अभिक्रिया की कोटि होगा, क्योंकि घाते जुड़ती हैं, घातों का पूरा नहीं होता, ध्यान दिए रहना, ठीक है। तो फिर लिखो इसको सूत्र को, उसके आगे लिखना जहां देखो ये वाला लिख लो दोनों लाइन, इसके नीचे लिखना तुम लोग, इसके नीचे ये लिखना है, जहां कोटि यन बराबर यन वन प्लस यन टू प्लस यन थ्री प्लस डॉट डॉट, हो गया, ये चीज को ध्यान में रखना, ये हाँ इसके नीचे लिखना है, ये जो सूत्र बना लोगे इसके नीचे इसको लिखना। तो यहां से हमको पता चलता है कि अगर एक से अधिक अभिकारक आते हैं उनके लिए क्या करना होगा, सबकी सांद्रता लिखनी होगी और सबके ऊपर कुछ विशेष घातें लगेंगी, और उन सभी घातों का योग जैसे यन वन प्लस यन टू प्लस यन थ्री ही अभिक्रिया की क्या होगी, कोटि यन होगी, हो जाएगा बस। मतलब अकेला अभिकारक है तो उसी की घात अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी, और अगर एक से अधिक अभिकारक है तो उनकी घातों का योग क्या होगा, अभिक्रिया की कोटि होगी, ठीक है ना, याद रखते रहना। चलो बाकी चीजें होंगी कल, अब इसमें शून्य कोटि वाला क्या होगा, उसमें घात जीरो रहेगा पूरा।